मैं अपने देशवासियों को होली के इस पावन और पवित्र उत्सव पर हार्दिक मुबारक देना चाहूँगा, लेकिन सभी से प्रार्थना करूँगा कि होली की वास्तविक जो भावना है, वास्तविकता क्या है, हमारे जो त्यौहार हैं हमारी संस्कृति की आत्मा है, और हम कभी कभी भटक जाते हैं अपनी संस्कृति से, अपने त्यौहारों से, अपने रीति रिवाजों से। मेरी सभी से प्रार्थना है कि होली को होली की तरह ही मनाएं, क्योंकि इसके पीछे सामाजिक दृष्टिकोण भी है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी है। होलिका दहन ये है आध्यात्मिक दृष्टिकोण, यानी कि अच्छाई बुराई से बेहतर है। कई लोग शराब पी करके नशेबंदी के वजह से हुड़दंग मचाना ये उचित नहीं है। यह है रंगों का त्यौहार, यह है मिलने का त्यौहार, यह है हर्षोल्लास का त्यौहार, भगवान कृष्ण की याद का त्यौहार। हमें आपस में मिलके सभी को एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना चाहिए जिससे देश में एकता हो, और किसी प्रकार का मतभेद यदि है, ये एक ऐसा दिन है, हमें अपने मतभेद को भुला करके एक दूसरे को गले लगा करके होली के वास्तविक पर्व को होली की तरह, खुशी की तरह मनाना चाहिए।